कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अक्सर अपने किसी न किसी बयान के चलते या फिर किसी न किसी हरकत के चलते सुर्खियों में बनी रहती है, हेडलाइन से बनी रहती है। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुर्खियों में बने रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। और इस दफा उनके सुर्खी या फिर हेडलाइंस में आने की वजह बना उनकी एक मुठभेड़ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ, वो भी ट्विटर एक्स पर, जिस पर पब्लिक ने भी उनकी जमकर मजे ले लिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और राइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहां से आगे से। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे फायरबैंड पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के साथ मिलकर पब्लिक ने कैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बुरी तरह ट्रोल कर दिया। मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए पुराने बयान को लेकर कई बार फैक्ट चेक किया गया, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों का बता दिया था। इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटी, आर एम्पावर्ड टू शेयर इक्विटेबली इन द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। देयर मस्ट किस किस को एक्सपीएम मनमोहन सिंह जी का ये वाला बयान याद है। उनके इस बयान पर पास में भी कई दफा डिबेट हो चुका है, बवाल कर चुका है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है या फिर बयान नहीं है इस किस्म का जो इन्होंने दिया। इसके बाद भी इन्होंने सिमिलर से बयान कई दफा दे रखे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनका दिया हुआ ये वाला बयान कांग्रेस के गले की वो वाली फांस है जो ना निगलते बन रहा है और ना उगलते। इसे लेकर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी भी तंज कसते हुए नजर आए थे। और इन सब के बीच अब जब पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने अपने एक सवाल में इस बात का जिक्र किया तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भड़क गई। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को जवाब दिया वो उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि न सिर्फ चित्रा त्रिपाठी ने सुप्रिया श्रीनेत को खरी खोटी सुनाई बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स जो हैं वो एक्सपीएम मनमोहन सिंह जी का ये वाला जो बयान था ये कई दफा सुर्खियों में रहा, कई दफा इस पर डिबेट्स हुए, कई दफा ये चर्चाओं के केंद्र में भी रहा इसके कंटेक्स्ट को लेके, क्योंकि कांग्रेस का जो भी स्टैंड है इस देश की माइनॉरिटी पर्टिकुलरली समुदाय विशेष को लेकर उसको एक्सपोज करता है, जग जाहिर करता है। और उनके दिए हुए इस पर्टिकुलर बयान को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बीच में कूद पड़ी, ये जानते बूझते कि डिफेंड करना बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता उतनी बुद्धू या उतनी बेवकूफ नहीं जितना ये लोग समझ के बैठे हैं। भी सुप्रिया श्रीनेत को जमकर ट्रोल कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए चित्रा त्रिपाठी ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने उन पर किस तरीके से तंज कसा था। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था, चित्रा त्रिपाठी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में झूठ बोला, उन्होंने अल्पसंख्यक नहीं दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला, बच्चों और अल्पसंख्यक कहा था। इसका तो खूब फैक्ट चेक भी हुआ, क्या आप टीवी एंकर होकर भी सच नहीं जानते। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर जिस फैक्ट चेक की बात कर रही है ये करने वाले कोई और नहीं वामपंथी पोर्टल द दलॉन टॉप था। इनकी क्रेडिबिलिटी अगर आपको देखनी है तो इनकी किसी भी वीडियो में जाकर उनके कमेंट सेक्शन को देख लेना, वहाँ पर इनकी तारीफ करने वालों से ज्यादा इनको गरियाने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये है इनकी क्रेडिबिलिटी जिनके फैक्ट चेक को यहाँ पर ये कोट कर रही है। या जानबूझकर झूठ बोलती है, जो भी है शर्मनाक है। अब सुप्रिया श्रीनेत ने चित्रा त्रिपाठी के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया तो फिर पत्रकार भी कहाँ चुप रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली और देश के हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाली चित्रा त्रिपाठी ने भी सुप्रिया श्रीनेत को करारा जवाब दिया। चित्रा त्रिपाठी ने सुप्रिया श्रीनेत को टैग करते हुए लिखा, सुप्रिया श्रीनेत जी किसी को झूठा साबित करने के पहले फैक्ट खुद से। वैसे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये वाला जो बिहेवियर है ये कोई नया नहीं है, पास में भी इस किस्म की ये कई दफा कांड कर चुकी है जिसके चलते जनता इन्हें गाली वाली बाई के नाम से संबोधित करती है। कुछ नहीं बस एक्सपे मनमोहन सिंह जी के उस पर्टिकुलर भाषण को, उस पर्टिकुलर बयान को ये यहाँ डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, जो मुझे नहीं लगता किसी काम का है, क्योंकि जनता को अब इनके एक्सप्लेनेशन में कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं है, रहा ही नहीं है। चेक कर ले, मैं टीवी एंकर होकर पूरा सच जानती हूँ, इसीलिए मैंने सवाल में उस बात को शामिल किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अलग अलग मौके पर कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, खासकर कि मुसलमानों का। मगर आप कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद मनमोहन सिंह का बयान नहीं जानती, तो ये दो वीडियो आपको सुनने के लिए यहाँ पर लगा रही हूँ। आपका दिन शुभ हो।
इसी के साथ चित्रा त्रिपाठी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दो बयानों को साझा किया है, जिसमें वो यही टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं। अगर आप चाहें तो एक्स पे मनमोहन सिंह जी के ये जो बयान वाले वीडियोस हैं, ये ट्विटर पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इन्हें खुद जाके सुनिए, कोई दूसरा आके आपको एक्सप्लेन करे उस पर मत जाइए, खुद जाके सुनिए और सोचिए और इस कंक्लूजन में पहुंचिए कि उनके कहने का मतलब क्या था। क्योंकि आई थिंक कि आप इतने कैपेबल तो हो ही कि आप किसी बयान का मतलब खुद से समझ सको। और मुझे एक बात समझ में बिल्कुल नहीं आती, ये तो वीडियोस तो ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, कई सारे लोगों ने देख भी रखा है और जो समझदार व्यक्ति होगा वो तो इनके बयानों को सुन के समझ ही जाएगा कि इन्हें कहने का मतलब क्या है, इनके कहने की मंशा एग्जैक्टली क्या है। इन शॉर्ट ये वही कह रहे हैं, ये वही इन्होंने बयान दिया है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है, कांग्रेसियों की मानसिकता है। एक्सपी मनमोहन सिंह जी के इस बयान का कंक्लूजन अगर आप ड्रॉ करना चाहो, अगर आप उसके निष्कर्ष निकालना चाहो, तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक समुदाय विशेष का है। यही बात वो कहना चाहते थे और यही बात कांग्रेस पार्टी भी मानती है, तभी उनकी आइडियोलॉजी इसी दिशा की ओर है, इसी दिशा की तरफ है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव आप सबके साथ इस मजेदार ट्विटर वॉर को शेयर करना था और साथ ही आपको ये भी दिखाना था कि कोई व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, एक बात को दबाने के लिए, एक बात को छुपाने के लिए। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आप सबसे अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।